और हर एक इंसान को मजबूरन कहना पड़ रहा है मैं भी देशभक्त हूँ, मेरा हिंदुस्तान, मेरी जमीन, मेरी हवा, मेरा आसमान, और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं देशभक्त हूँ। और आज का युवक खड़े होकर जो बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच सकता है, सिर्फ और सिर्फ पकौड़े बेचने पर मजबूर हो रहा है। जुमले फेक हैं, इनकी डिग्रियां फेक हैं, इनका विकास फेक है। वो झूठ को बड़ी सफाई से पेश करते हैं और सामने वाले को ये लगता है बस मोदी ही हमारे भगवान है और कुछ नहीं है। तुम्हें कहूंगा कि मोदी सरकार ने 5 साल में दिखावे के अलावा कुछ नहीं किया है। ये वो सेना है जिसने 71 में जवाब दिया, 65 में जवाब दिया। ये वो सेना नहीं है कि जिसको कहते मोदी मैं सेना लेके आया था। उनकी सेना निक्कर पहन के घर सोती है। मैं बात अगर ये करूँ कि मोदी सरकार ने 5 साल में क्या किया है, तो मैं कहूँगा कि मोदी सरकार ने 5 साल में दिखावे के अलावा कुछ नहीं किया है, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया है। कि सबसे पहले तो उसने करी कि करप्शन हटा दूंगा, और अगर करप्शन इतना बाहर से ब्लैक मनी आ जाएगी तो करीब करीब 15 लाख रुपये सबके खातों में आ जाएंगे। अब इसको आप जुमलेबाजी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? 15 लाख तो छोड़िए, 1500 रुपये अगर किसी के खाते में आ गए हो तो मुझे बता दें। दूसरी बात यह है कि अगर किसी के लिए कहा हो, बेरोजगार हमारे नौजवान इतने रहे इन 5 सालों में, पिछले 45 साल के अंदर सबसे ऊंचा जो है वो ग्राफ गया है बेरोजगारी का, जो कभी कांग्रेस राज में नहीं गया। हम भी स्टूडेंट रहे, हम भी बीकॉम हमने करा है, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे जूनियर्स जो कि चाहत रखते हैं कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे और हमें अच्छी नौकरियां मिलेंगी, लेकिन वो मोदी राज में सारा का सारा अपोजिट हो गया है। अब वो कभी कहते हैं पकौड़े बेचो, अब मैं ये नहीं कहता कि पकौड़े बेचना जो है वो एक बिजनेस नहीं है। गरीब आदमी पकौड़े बेचता है, अपना पेट भरता है। लेकिन अब आप ये बताइए कि IIT के स्टूडेंट्स और बीकॉम ग्रेजुएट्स या MBA के स्टूडेंट्स अगर सब पकौड़े बेचने लगेंगे तो भाइयों नौकरी कौन करेगा और हमारे अर्थव्यवस्था को आगे कौन लेके जाएगा? तो ये कुछ चीज़ें दो जो मैं बात स्टूडेंट लाइफ को बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स की बात पहले करूँगा। और आप ये देखिए, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसमें तो फिर ऐसा है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो कि हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हमारी हिंदुस्तान की रही है, तो उनको उन्होंने पूरे ही पीछे छोड़ दिया। और अगर मैं मुसलमानों की बात करूँ तो वो सिर्फ कहते हैं कि साथ लेके चलते हैं। मुझे बताइए कि टिकट से लेकर और नौकरियों तक कितने मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिए अपनी पार्टी में, काउंसिल लेवल हो, MLA लेवल हो, या MP लेवल हो, या पंचायती चुनाव भी हो, कुछ नहीं करा है मोदी साहब ने। उसके अलावा क्या किया मुसलमानों के लिए? कौन सी आप रिजर्वेशन आप देख लीजिए, सिर्फ बोर्ड बना दिया गया है, और उस बोर्ड के अध्यक्ष जो है हमारे शाहनवाज हुसैन साहब जो है, मुझे तो ऐसा पता लगा है कि उनको खुद वोट, उन्हें टिकट नहीं मिला इस बार MP का। तो जो उनके अध्यक्ष हैं शाहनवाज जी, अब उनको टिकट नहीं मिला तो बाकी मुसलमानों के लिए क्या करेंगे मोदी जी? तो 5 साल में नील-मटर नील काम रहा है उनका, और कुछ नहीं कराया पुरानी दिल्ली के लिए मोदी गवर्नमेंट ने। मोदी सरकार कैसी लगी, 5 साल कैसे रहे? मोदी सरकार मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा उसने काम किया है कि उसने हिंदुस्तान की जनता को ही इस काम में लगा दिया है कि आप साबित करें कि आप देशभक्त हैं, और हर एक इंसान को मजबूरन कहना पड़ रहा है मैं भी देशभक्त हूँ, मेरा हिंदुस्तान, मेरी जमीन, मेरी हवा, मेरा आसमान, और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं देशभक्त हूँ। कितना अच्छा काम किया है। जो हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने के लिए मॉब लिंचिंग, लव जिहाद और हिंदू वर्सेस मुस्लिम, अली बजरंग बली, ये जो जुमले लेके आई है ये मोदी सरकार, इससे लोगों के बीच में गलत संदेश गया, मोदी सरकार को क्या नाप दी? अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग सिर्फ शादियों में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके बस की बात कुछ नहीं होती, वो कहते हैं यार ये चीज़ कच्ची रह गई, डेकोरेशन अच्छी नहीं थी, ये कलर ख़राब था। तो मॉब लिंचिंग, लव जिहाद सेम ऐसे ही है, बस की बात कुछ है नहीं तो यही सब चीज़ें पैदा करेंगे। और जो हमारा युवा बेरोजगार है तो उसको भी एक काम चाहिए, क्योंकि दिमाग उसको ओपन है, तो वो भी इन्हीं सब चीज़ों में उलझे ही रहेगा। तो आप तो व्यवसायी हैं, मोदी सरकार कह रही है पकौड़े तलिए। हाँ, बहुत अच्छा बिजनेस बता रही है, शॉर्ट टर्म के अंदर छोटे पैसों में अच्छा काम हो जाता है, और हमारे देश को बाहर मुल्कों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा पकौड़े का देश है। बहुत अच्छी बात है।
और बीइंग ए बिजनेस मैन, जीएसटी और नोटबंदी कितना असर रहा? बोले रात में 12:30 बजे उन्होंने जीएसटी लागू किया, बोले कि ऐतिहासिक काम है, कितना असर पड़ा? नोटबंदी करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एक ही तरह के नोट देखते कि हम पक गए थे। उन्होंने रंग भरे नोट दिए, हमारी जेब में रंग भरे नोट डाले। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जो आरबीआई के गवर्नर अपॉइंट भी नहीं हुए थे, उसके ऊपर उनके सिग्नेचर कहाँ से आ गए? ये उन्होंने एक चमत्कार दिखाया, इस चमत्कार को शायद हमने कभी ना देखा है ना हम कभी आगे देख पाएंगे। और रही जीएसटी की बात, जो जीएसटी तो ऐसी है कि मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि मैं जीएसटी का बिल्कुल विरोध करता हूँ, जबकि यूपीए सरकार जीएसटी लेके आ रही थी एक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन इन्होंने अपने इतना मजाक उड़ाया, 28% जीएसटी लेकर आए, कुछ चीज़ों पे जीएसटी लगाई नहीं, कुछ लोगों को चीज़ों को जीएसटी से बाहर किया, लाते लाते 100 बार अमेंडमेंट कर दिया। ये ऐसी सरकार के जैसे किसी के बच्चा पैदा हुआ उसके 100 बार नाम बदल दिए गए हों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? हिंदुस्तान की सरकार। कौन है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान की सरकार वो है जिस जहाँ पे एक बाग हो और एक बाग कभी भी एक फूल का नहीं होता, जहाँ कई रंग बिरंगे फूल हो। जो ऐसी बाग को पैदा करेगा हम उसकी सरकार बनाना चाहते हैं। कुछ नहीं हुआ, मोदी सरकार की 5 साल की जो सरकार है बिल्कुल ही फेल हुई है। और जो भी वो काम हुए थे कांग्रेस के राज्य में हुए थे, उनको तो बस एक ही काम आता था, 2 दिन 4 दिन विदेश गए, विदेश जाने के बाद फिर दोबारा आए, दोबारा बैग तैयार करवाया अपने पीए से और फिर दोबारा कहीं ना कहीं विदेश चले गए। उन्हें घूमने से फुर्सत नहीं मिली, जब घूमने से फुर्सत मिलेगी तभी तो मोदी जी कोई काम करेंगे। उन्होंने बोला पकौड़े तले हैं। जो भी हमारे देश के युवा हैं, आप देखिए यहाँ ये सारे युवा हैं, मेरे जूनियर्स हैं, कई लोग सीनियर्स हैं, सारे युवा साथी हैं, जाकिर हुसैन कॉलेज के साथी हैं मेरे। आप देखिए इनसे पूछिए किसकी जॉब लगी, मेरी नज़र में तो किसी की जॉब लगी नहीं। मैं भी इनको कई कई सालों से जानता हूँ। और रही 2 करोड़ रोज़गार की बात, 2 करोड़ तो छोड़िए आप, 2 लाख गिना दीजिए, 2 लाख भी अगर उन्होंने रोज़गार दिया हो तो सिर्फ झूठ है और कुछ नहीं है उनके पास। वो झूठ को बड़ी सफाई से पेश करते हैं और सामने वाले को ये लगता है बस मोदी ही हमारे भगवान है और कुछ नहीं है। जो भक्त हैं उनकी भक्ताई करते हैं। 2019 में आप कांग्रेस को देखते हैं कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है? बिल्कुल, कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है, 100% कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। मोदी सरकार में जब से यूपी में योगी सरकार आई और केंद्र में मोदी सरकार आई, मुसलमानों और दलितों के खिलाफ चुन चुन कर अपराध हुए, चाहे वो गाय के नाम पे हो या बीट के नाम पे हो या दूसरे तरीके लव जिहाद के नाम पे मोब लिंचिंग की गई। आज दिल्ली 6 का मुसलमान अपने आप को कैसे देखता है 5 साल बाद मोदी सरकार के, और क्या मोदी सरकार मुसलमानों के लिए फायदेमंद हुई या डर का माहौल पैदा हुआ? देखिए जनाब, इसमें मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मुद्दा लाते हैं, जिन्होंने लव जिहाद का मुद्दा लगाया है, तो इनके बहुत सारे मुस्लिम नेता जो बीजेपी में हैं उनकी वाइफ जो है वो हिंदू है और इंटरकास्ट उन्होंने मैरिजेस कर रखी है, तो वहाँ पे जाके इनकी बजरंग दल वालों की, बीजेपी की, युवा वाहिनी की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि घुस के उनको कुछ कह सके। ये सिर्फ होता है इनका मुद्दा चलाने का मुद्दा, और ये बिल्कुल गलत बात है। और दूसरी बात, जो गाय के नाम पे हत्याएं कराते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर इनके नौकर छुड़वाइए, किसी नेता के घर में भी अगर आपको मटन भी मिल जाएगा ना, तो ये गाय का गोश्त घोषित करके उनका भी मेरे ख्याल से मर्डर करवा दें। तो ये जो है आपकी बात, एक और आपने कही थी जो मॉब लिंचिंग कराते हैं, जानबूझ के कराते हैं, पिछले 5 वर्षों में बहुत ज्यादा मॉब लिंचिंग हुई है, और जिन्होंने झगड़े कराए पिछले मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, जिसने भी उनको चुन चुन के जिन लोगों ने सीडीज बांटी और झगड़े कराए, कत्लेआम कराए, उनको ही इन्होंने अपनी सरकारों में टिकट दी और मंत्री बनाया। संजीव बालियान जैसे लोग, नाम लेके बोलना चाहूंगा मैं उनको, और इस बार उनको भी एमपी का टिकट, जिनको जो अपोज करते हैं कि जो हमारी एक मुस्लिम महिला बुरखा पहन के जाती है और अंदर जाके वो एक किसी बीएलओ को या फिर किसी पोलिंग एजेंट को अपना चेहरा दिखा के वोटर आईडी कार्ड से उसका वो चेहरा मिलाते हैं, जब उसको वोट देने की याद मिलती है, तो इसका भी उन्होंने मुद्दा बनाया, जो कि मुद्दा वही जुमलेबाजी निकली। तो जुमलेबाजी के अलावा कोई काम नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ तो ऐसा रहा कि वो तो चीफ मिनिस्टर बन गए, अब वो सब बातें भूल गए जो उन्होंने उल्टी सीधी बातें करी, जितने उनके पे केस चल रहे हैं, और उनकी अपनी जो विधानसभा है वो वाइव इलेक्शन में वो हार गए, तो उनकी वैल्यू कुछ नहीं है। वो सिर्फ धर्म को बीच में ला के और हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब को लड़ा के मरवा के अपने टिकट लेना जानते हैं, जीतना जरूर जानते हैं। दलित हमारे भाई गुजरात में आपने देखा होगा, दलितों को बांध बांध के पीटते पीटते आपने वीडियो देखी, तो वो किसके राज में हो रही है? इससे पहले कब देखा आपने कि दलितों को निशाना बना रहे हैं, माइनॉरिटीज को निशाना बना रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, मतलब जितने भी, और ये तो मतलब अब दलित कौन है, वो भी तो हिंदू भाई है हमारे,
तो आप किसको मानते हैं हिंदू और किसको मानते हैं मुसलमान? 31% लेकर और पूरी सरकार बनाने वाले लोग बाकी की 70% जनता को पागल बनाए हुए हैं, और मैं तो कहूंगा कि अपने चुनावी मुद्दों के लिए कुछ भी करवा सकते हैं ये लोग। तो इस बार दिल्ली का मिजाज क्या है, किसकी तरफ मूड है, क्या हवा चल रही है? दिल्ली का मिजाज आज कांग्रेस की तरफ है। हर गरीब आदमी का, हर बेरोजगार का, हर शिक्षा की ओर जाने वाले का, सबका एक ही ओर है, वो राहुल गांधी को अपने रूप में देख रहे हैं, एक नेता के रूप में, और आने वाले 23 तारीख को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं राहुल गांधी को। यही दिल्ली का पूरा मूड है आज। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे इस बार? ऐसा है कि सामने मोदी जो है वो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, देशभक्ति, सेना और जाने क्या क्या वो लेके आ गए। जो उनकी आज की भाषणबाजी है, जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं या सेना की बात करते हैं, आरएसएस में आज तक कौन है जो सेना में गया हो? उनका तो इतिहास ही बड़ा गंदा रहा है, उन्हें तो गुलामी पसंद रही है आरएसएस को। वो लोग सेना की बात करते, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, और खास तौर से प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, वो बोल क्या रहे हैं सेना के बारे में। उन्होंने कहा था आरएसएस के, जहाँ से वो निकल के आए हैं, कि 3 दिन में पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। वो जिस दिन हमारे सैनिक शहीद होते हैं उस दिन के बाद आरएसएस एक कपड़े के अंदर बंद होकर सो जाती है, कपड़ा ढककर, कोई बयान नहीं आता। सेना हमारी जवाब देती है। ये वो सेना है जिसने 71 में जवाब दिया, 65 में जवाब दिया। ये वो सेना नहीं है कि जिसको कहते मोदी मैं सेना लेके आया था। उनकी सेना निक्कर पहन के घर सोती है। ये वो सेना के सेनापति है। और तरक्की के नाम पे, विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे कितने नंबर देंगे आप? विकास के नाम पे बहुत ज्यादा नंबर देंगे। अगर विकास हुआ है तो आरएसएस का विकास हुआ है। झंडे वालान हमारे यहाँ से कुछ ही दूरी, मिनट की दूरी पर है। कभी 70 साल उस झंडे वालान के अंदर जो आरएसएस कार्यालय है कभी सफेद नहीं हुई थी, टूट के नया बन रहा है, तो विकास आरएसएस का हुआ है। और यहीं से जाम खड़े हैं, वहां से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे बीजेपी कार्यालय जो 2000 करोड़ में बना है, उसका विकास हुआ है। जय शाह का विकास हुआ है, नरेंद्र मोदी जी का विकास हुआ है, उनके दोस्तों का विकास हुआ है। विकास वाकई आरएसएस और बीजेपी वालों का हुआ है, देश की जनता का कोई विकास नहीं हुआ। अच्छे दिन बीजेपी वालों के आए, अच्छे दिन बीजेपी और आरएसएस वाले दोनों के आए हैं, एक के नहीं आए, दोनों ने मिलकर अच्छे दिनों को लेके दिल्ली की, हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाकर। मेरा नाम सैयद इमाद है और मैं जॉब करता हूँ। मोदी सरकार में नौकरी मिल गया? देखिए मोदी सरकार में तो जॉब नहीं मिली किसी को, बट हाँ मेरी जो जॉब स्टार्ट करी थी वो मैंने 2010 में स्टार्ट करी थी, और 2010 एक ऐसा साल रहा था जब पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसेशन था, पर सिर्फ और सिर्फ दो ऐसी कंट्रीज थी, ब्राज़ील और हमारा हिंदुस्तान, जिनकी इकोनॉमी में कोई ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा था, और हमारे जो जॉब करने वाले लोग थे उनकी जॉब्स लग रही थी जबकि अदर कंट्रीज़ में जॉब जा रही थी। और अगर मैं विकास की बात करूं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोगों का विकास हुआ है, और विकास जय शाह का हुआ है, ठीक है ना, विकास उनका हुआ है, मालिया जी का हुआ है, विकास नीरव मोदी जी का हुआ है, जिन्होंने हमारे देश से पैसा लिया और दूसरे देशों में गए, अपना घर बना लिया। दिल्ली 6 का एक जो मुस्लिम युवा है, नौजवान युवा है जी, वो 5 साल बाद मोदी को कहाँ देखता है, कितना वैल्यू देता है मोदी सरकार? देखिए इस चीज़ में मैं आपको करेक्ट करूँगा, दिल्ली 6 का सिर्फ मुस्लिम युवा नहीं, दिल्ली 6 के हर एक, क्या कहते हैं, हर एक रिलीजन का जो युवा है वो मोदी सरकार को सबसे पहले तो 5 में से अगर मान होगा तो माइनस में नंबर देगा। और दूसरी चीज़ अगर दिल्ली 6 की बात करी जाए, हमारी ये जो वॉल सिटी है ज़्यादातर व्यापारियों से घिरी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर व्यापारी रहते हैं, और मोदी जी ने अपने शासन के अंदर सबसे पहला गिफ्ट जो हमारे व्यापारियों को दिया वो नोटबंदी का दिया, फिर उसके बाद GST का दिया, और रही सही कसर जो थी वो सीलिंग ने तोड़ दी थी हमारे देश की। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ और 5 साल में क्या हुआ, तो 70 साल का मैं जवाब ये देना चाहूँगा कि हमारे देश का 65 साल का कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि उसने बड़े बड़े लोगों को अच्छी अच्छी पोजीशंस पर पहुँचाया है, अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग पैदा हुए हैं, पर हमारे इन 5 साल के अंदर जो हमारे देश का जो युवा है, जो BTech करता है, ठीक है ना, जो BSc करता है, आज की डेट में वो पकौड़े तलने पर मजबूर कर रहा है। और एक और चीज़ है जो मैं बहुत देर से सोच रहा था कहने के लिए, उसमें यह है कि हमारे जो देश है, पूछते हैं और कि 5 साल में और क्या हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 65 साल में थे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री बनते थे, आज की डेट में जो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं है, जिसके ऊपर डिग्री पर भी शक करा जाता है, जिसकी डिग्री पर, चाहे वो स्मृति ईरानी की हो। और एक और मज़े की बात यह है कि जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रेसिडेंट बना था नीरव बसोया, वो सस्पेंड हुआ है सिर्फ इसी बेस पर कि उसकी जो डिग्री थी वो फेक थी। तो इन ये जितने भी हैं, जुमले फेक हैं, इनकी डिग्रियां फेक हैं, इनका विकास फेक है। देश के अंदर सिर्फ इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जुमले दिए हैं,
और देश में अगर नॉलेज की बात करी जाए, देश में विकास की बात करी जाए, तो 0/0 विकास है। और आज का युवा खड़े होकर जो बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच सकता है, सिर्फ और सिर्फ पकौड़े बेचने पर मजबूर हो रहा है। तो आने वाले 5 साल हमने देख लिए और 23 मई को इन 5 सालों का जवाब हमारे देश की जनता देगी, हिंदुस्तान देगा, कि ऐसा प्रधानमंत्री जो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांग रहा है, जो पुलवामा अटैक के नाम पर वोट मांग रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।